बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जी हम बनाएंगे मतंजन या देगी पुलाव। बहुत ही खूबसूरत रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की रेसिपी है, और देखने में भी जैसे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत रेसिपी है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसके लिए हम लेंगे जी 6 किलो चावल लिए हैं मैंने। 6 किलो चावल को हम परात में डालकर साफ़ कर लेंगे और अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी इनमें से निकाल देंगे और इनको अब उबालना है, इसलिए हम एक पतीले में पानी लेंगे। ये तकरीबन 10 किलो पानी है, इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, और जब ये पानी फुल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चावल डालेंगे। अब जी ये पानी गर्म हो चुका है और इसमें चावल डाल दिए। अब इन चावलों को हमने उबाल लेना है, तकरीबन 70% तक हमने इनको उबालना है। साथ ही हम इसमें छुहारे शामिल कर देंगे। ये मेरे पास छुहारे थे खुशक, इनको लंबाई के रुख काट कर इसके अंदर डाल दिया ताकि ये भी गल जाए अच्छे तरीके से। और अब हमारा पानी जितना खुशक होने वाला है और चावल अच्छी तरह गल चुके हैं, अब इनको उतार कर हम छान लेंगे। इसमें से पानी जितना है वो निकाल देंगे और चावल तमाम चावलों को हम बड़े छानने में डालकर अच्छे तरीके से छान लेंगे और खुशक कर लेंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब पतीले में हम 1 किलो घी डाल देंगे, और 1 किलो घी 6 किलो चावल के लिए काफ़ी रहता है। तो ये घी डालने के बाद इसमें हम 4 किलो चीनी शामिल करेंगे, और इतना मीठा जो है वो परफेक्ट रहता है, इससे ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो 4 किलो चीनी डाल दी और साथ में पानी डाल देंगे, तो 2 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इस चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे, यानी पिघला लेंगे, और जब तक चीनी मुकम्मल पिघल ना जाए हम अगला प्रोसेस नहीं करेंगे, इसलिए पहले चीनी को अच्छी तरह से पिघला लें। 3 से 4 मिनट लगते हैं, चीनी मुकम्मल पिघल चुकी है। अब इसमें जो चावल हमने निकाले थे वो शामिल कर देंगे, जितने चावल थे 6 किलो चावल वो सारे इसमें डाल देंगे। ये चावल हमारे तकरीबन 70% तक जो है वो बॉयल्ड हैं और 30% कच्चे हैं। ज़्यादा उबले हुए चावल हों तो वो यहाँ पर टूट जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी कसर रखते हैं चावलों में। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चावलों में जो मीठा है वो बराबर मकदार में मिक्स हो जाए, हर तरफ मीठा बराबर हो। और ये हमारे पास कलर हैं, ग्रीन, रेड और येलो कलर, इनको हमने घोल लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है खुश्क नारियल, इसको काट लिया, और साथ किशमिश है, इन दोनों को धो लिया। और इन दोनों को धोने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। आप हस्बे जायका और हस्बे इस्तेआत आप ड्राई फ्रूट जो आप चाहें आप शामिल कर सकते हैं, बादाम शामिल करें, काजू शामिल करें, पिस्ता वगैरह जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम सिर्फ जो है इसमें किशमिश और खोपरा डाल रहे हैं। तो इनको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और साथ ही 5 से 6 अदद इलायची जो है सब्ज़ इलायची, इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट कर वो भी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम कलर डाल देंगे, ये हम 3 कलर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप 3 से ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं और सिंगल कलर भी पका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी और ख्वाहिश पर है कि आप किस तरह का पसंद करते हैं। तो मैं इनको 3 कलर में पका रहा हूँ, तो ये 3 कलर अलग अलग जगह पर डाल दिए। और अब इसको हम दम लगा देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो इसको कोयलों पर दम लगाएंगे। अगर आपके पास गैस हो तो 20 मिनट का दम काफ़ी रहता है, लेकिन कोयलों पर जो है वो 25 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे, और उसके बाद दम खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे जो 25 मिनट के बाद का सीन है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, और हमारा जनाब जो मतंजन है या जर्दा पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना अलग अलग खिला खिला। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जिस जो कलर हैं वो तमाम साइडों पर एक जैसा आ जाए। ये जी हमारी बिल्कुल बेसिक मतंजन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको अगर आप मज़ीद निखारना चाहें या सुधारना चाहें तो इसके अंदर आप रसगुल्ले शामिल कर सकते हैं, इसके बाद खोया शामिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जितने ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह वो सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो आप जितना इसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो बेसिक रेसिपी जो मतंजन की है वो यही है, शादियों पर यही रेसिपी बनाई जाती है। मैंने हालांकि इसके अंदर जो कलर हैं थोड़े हल्के रखे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं। तो ये थी जी आज की रेसिपी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।